देह कितनो सुंदर होंगे, जीव निकल जाने से सात मन चेला की जरूरी है। बहुत सुंदर छे, दो चार घंटा लोग कमनी पीटी घाकड़ी उड़ीलते गिरी बजरी लेते अंतिम संतोष बांधी लेते बड़ी गे ले ले काली से नहीं खेने छी परान हमरो निकले लगे आवाद गेबे करबा अपना परान सोचे लगे। कबीर साहब कहते हैं कि शरीर सुंदर हो अब भोजन सुंदर नहीं, मुंह लग जे रसगुल्ला रखे पकड़ी के मछली भात नाक जगह की दुकान छे। विचार कीजिए ये नाक भोजन चेक मशीन है, इस मशीन से भोजन को जांच कीजिए, जिस भोजन से दुर्गंध निकले उसको कभी नहीं खाना चाहिए। भैंसे के लादिन दे दिए मछली रोटी, ढेर महीना भूखलो रही थे खेते ई सब पार्टी, खाली पोखरी में एक कुदकी जाए माघो महीना ठंडी कूदिए देते, अब ढोर वहां काटते क्या नहीं यहां काटते, अब विचार जंगल गमा देते। बोले प्रेम से श्री सदगुरु सुंदर भोजन होना चाहिए और सुंदर भजन होना चाहिए, मोह का सुंदर वचन होना चाहिए। तो बुझे नहीं है जो कुछ सब भेज हंसल वही पीछू तहु हंस बच्चा की बुझते, लेकिन देखा हुसी में बोलिए प्रेम से श्री सदगुरु महाराज। चलिए कबीर साहब कह देते अखिया में सिंदूर पहने मंगिया में काजल हे पिठिया में टिकुली साट लेलके हे दुल्हनिया बलम के जियरा जार दिलके हे सिंदूर पहन कत्ते माय बहन जी ने वह सिंदूर माथाम नहीं पीने जी आंखी हम लग रही। अब आंखी मतलब कबीर साहब का यार था कुछ और है, उनको अब बाणी में अर्थ लगाना बढ़िया बढ़िया विद्वान फिर जय माय बहन के आंख 24 घंटा मारे गुस्सा में लाल रहे थे बुझो वह आंखी में सिंदूर पहन लगी बोलो जब पुतहु कच कच करते लाल गुस्सा में बुझो आंखी में सिंदूर पहन मंगिया में काजल, मंगिया में काजल मतलब ये सिंदूर पहने जी कबीर साहब को जेने नहीं हम काजल लगाए जे लोग टिकली साटे जी पीठी मंगिया में काजल मतलब